डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसे कॉपीराइट से दूर रखें और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोल्ड रोजर पायरेट किंग को, जिसका एग्जीक्यूशन सभी लोगों के सामने किया जा रहा होता है और सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और उनमें से एक पूछता है कि आखिर तुम्हारा वन पीस कहां पर है। गोल्ड रोजर कहता है, मेरा वन पीस अगर जिसने भी ढूंढ लिया तो वो होगा अगला पायरेट किंग। जिसके बाद पायरेट का एक अलग ही एरा निकलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी पायरेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तभी हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि कुछ लोग पानी के अंदर देख रहे होते हैं और पानी के अंदर उन्हें एक बॉक्स मिलता है और एपिसोड का नाम रहता है आई एम लूफी हु गोना बी द पायरेट किंग। बाद हमें वो शिप दिखाई जाती है जो एक पैसेंजर शिप रहती है और उसके अंदर सभी पैसेंजर लोग रहते हैं। तभी यहाँ पर वो दो लोग उस बॉक्स को खींचने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि उस बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी बियर होगी जो पानी में बह गई होगी, इसलिए वो उस डब्बे को खींच के निकालने की कोशिश करते हैं और वो डब्बा काफ़ी वजन रहता है। तभी उनमें से एक कहता है कि पायरेट की शिप यहीं पर आ रही है और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए अभी जा रहा होता है लोगों को बताने के लिए। तभी पायरेट शिप हमला कर देती है उन लोगों के ऊपर और जैसे ही वो हमला करती है वो शिप हिलने लग जाती है, जिसके बाद वो आदमी आता है और बाकी सभी लोगों के सामने कहता है कि पायरेट ने हमला कर दिया है। सभी ये सुनने के बाद भागने लग जाते हैं कि पायरेट ने यहाँ पर हमला कर दिया है। तभी हम पायरेट लेडी एलविडा को देखते हैं जो वो कूबी से कहती है कि इस समुंदर के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, जहाँ पर उसका बंदी कूबी कहता है कि मैम ऑफकोर्स आप ही हो सबसे ज़्यादा खूबसूरत। और ये सब कूबी लेडी एलविडा के डर में आकर कहता है और तभी हमें लेडी एलविडा दिखाई जाती है और शिप के हिलने की वजह से वो जो बॉक्स रहता है वो जाकर बेसमेंट में गिर जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो भागते हुए शिप के ऊपर आ जाती है। लेडी एलविडा अपने लोगों को कहती है, जाओ जल्दी जाकर उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर दो और बताओ कि आखिर हम कौन है। और सभी लेडी एलविडा के लोग उस शिप को क्रॉस करके उस पैसेंजर शिप में आ जाते हैं और यहाँ पर लेडी एलविडा कूबी को कहती है, कूबी तुम यहाँ पर क्यों रुके हो, तुम भी जाओ। जहाँ पर कूबी डर से जा नहीं रहा होता है क्योंकि वो एक पायरेट नहीं है, जिसकी वजह से लेडी एलविडा कहती है तुम एक कायर हो और ये कहकर कूबी को लात मार देती है। कूबी जाकर सामने की शिप में गिर जाता है। लेडी एलविडा जम मार के उसके ऊपर एक और हमला करने आती है पर कूबी उस हमले से बच जाता है, जिसके बाद लेडी एलविडा के लोग सभी बंदियों को कहते हैं कि तुम जल्दी से अपनी पर्स गहने सब कुछ निकाल के रख दो वरना हम कुछ भी नहीं करेंगे, पर अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम सीधा मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की अपना कपड़ा चेंज कर लेती है और वो एक चोर रहती है। कूबी यहाँ डर के मारे उस शिप के बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो बड़ा सा डब्बा देख कर शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो थीफ रहती है वो लेडी एलविडा की शिप में जाने लग जाती है और लेडी एलविडा की शिप में जैसी घुसने वाली रहती है लेडी एलविडा की शिप से एक आदमी बाहर आता है और वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम इस क्रू की तो नहीं लग रही। तभी वहाँ पर वो लड़की उसे लात मार देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। कूबी जैसे ही उस बॉक्स को बाहर निकाल के लेके जा रहा होता है लेडी एलविडा के कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। कूबी कहता है, मुझे लग रहा है इस डब्बे में बहुत सारी बियर है और उसे मैं लेकर जा रहा था लेडी एलविडा के पास। तभी वो कहता है कि लेडी एलविडा के पास लेके जाने से पहले क्यों ना हम चख लिया जाए। जिसके बाद कूबी कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत बुरा होगा और कूबी की बात नहीं सुनते हैं वो लोग और उस डब्बे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर रहता है वो आके कहता है कि मैं इसे तोड़ दूंगा। तभी अचानक से उस डब्बे को तोड़ते हुए अंदर से लूफी निकलता है और वो जोर से चिल्ला रहा होता है। लूफी का पंच लगने की वो वहाँ पर ही गिर जाता है और बिल्कुल बेहोश हो जाता है और लूफी कहता है कि तुम अपने दोस्त को वहाँ से उठा लो वरना उसे ठंड लग जाएगी, आखिर तुम्हारा दोस्त बीच में सोया क्यों है। जिसके बाद वो लोग उस लूफी को चिल्लाने लग जाते हैं और वो लूफी के ऊपर अपनी तलवार रखते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुमने हमारे दोस्त के साथ क्या किया।
लुफी कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या कुछ खाने को मिलेगा। और लुफी की वो बात सुनकर वो लोग गुस्से में आके लुफी पे हमला कर देते हैं, जिसके बाद कुबी अपनी आंखें बंद कर देता है। वो उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहता था, पर तभी हम देखते हैं कि उनकी तलवारें टूट के गिर जाती है और वो लुफी को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम कौन हो। और लुफी कहता है आई ये मंकेड़ी लुफी, जिसके बाद वो हंस रहा होता है। जिसके बाद वो लोग भागते हुए लेडी एलविडा के पास जा रहे होते हैं। कुबी कहता है तुम्हें जल्दी से यहाँ से भाग के जाना होगा, अगर लेडी एलविडा यहाँ पर आ गई तो वो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पर कुबी को खाने की खुशबू आ जाती है और वो भागते हुए बेसमेंट के अंदर बढ़ने लगता है और वो कहता है यहाँ पर तो बहुत सारा खाना है, खाना ही खाना। और ये बैठ के लुफी उन एप्पल्स को खाने बैठ जाता है। तभी कुबी कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेडी एलविडा बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो लेडी एलविडा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। लुफी हंसता है और कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। और वो कुबी के बारे में पूछता है कि आखिर कुबी उन लोगों के साथ क्या कर रहा है। जहाँ पर कुबी कहता है ये बात थोड़ी पुरानी है, 2 साल पहले मैं जब फिशिंग कर रहा था तब लेडी एलविडा और उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और वो लोग ने मेरी शिप ले ली। मेरी शिप के बदले उन्होंने मेरी जान को बख्श दिया और मुझे अपना गुलाम बना दिया। अपना गुलाम बना के उन लोगों ने मेरी जान को बख्श दिया। मुझे उन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना था, मुझे तो मरीन्स बनना था, मेरा ड्रीम यही था। तभी लुफी कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। जहाँ पर यह सुनकर कुबी रोने लग जाता है और लुफी कहता है मुझे तुम्हारे जैसे डरपोक लोगों से नफरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी एलविडा के लोग उन सभी लोगों का खजाना यानी उन सभी लोगों को लूट कर अपनी शिप में डाल रहे होते हैं और लेडी एलविडा जोर जोर से हंस रही होती है। दूसरी तरफ हम उस थीफ को देखते हैं जो लेडी एलविडा की शिप के अंदर पहले से खजाना मौजूद रहता है, उन सभी खजाने को लूट लेती है। तभी वो दो लोग लेडी एलविडा के पास आके कहते हैं कि हमें एक लड़के ने हमला किया है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये सुनकर लेडी एलविडा उन लोगों के ऊपर हमला करने वाली रहती है, पर वो लोग अपने दोस्त को आगे रख देते हैं, जिसकी वजह से उनका दोस्त उस शिप से जाकर दूर उड़ जाता है और लेडी एलविडा का वेपन उन लोगों के ऊपर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुबी कहते हैं आखिर तुम कौन हो और तुम उस क्रेट के अंदर क्या किए, आखिर तुम इतनी समुंदर में तूफान के बीच में आखिर तुम इतना सर्वाइव कैसे कर लिए। जहाँ पर लूफी कहता है आई एम लूफी, आई एम गोना बी द किंग ऑफ द पायरेट। और ये सुनकर कुबी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम भी एक पायरेट हो, और वो एकदम ही शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है हाँ मैं भी एक पायरेट हूँ। जिसके बाद वो कुबी को कहता है क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए। जिसके बाद कुबी जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये नहीं हो सकता, पायरेट बड़ी बड़ी शिप में रहते हैं, वो तुम्हारी जैसे एक छोटे से शिप में नहीं रहते हैं और उनके पास बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम्हारे जैसा बच्चा एक पायरेट किंग बन सके, मैंने ये नहीं मान सकता कि तुम जैसा एक इंसान पायरेट किंग बन सकता है। और लूफी यहाँ गुस्से में आकर कुबी को चुप कराने के लिए उसके सर पे पंच मार देता है। कुबी कहता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया। लूफी कहता है मेरा मन किया, मैंने इसलिए मार दिया। जिसके बाद वो अपनी कैप उतारते हुए कहता है मैं जरूर पायरेट किंग बनूंगा, यही मेरा सपना है और हमें अपने सपने को पूरा करने में अगर मेरी जान भी क्यों ना चले जाए पर मैं पायरेट किंग बिल्कुल बन के रहूंगा। जिसके बाद लूफी वहां से जाने लग जाता है। लूफी की ये बात सुनकर कुबी सोचने लग जाता है कि लूफी अपनी जान भी दे सकता है पायरेट किंग बनने के लिए, पर वो लेडी एलविडा का एक गुलाब बन के रह गया है और वो मरीन्स बनने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। तभी जोर से वो उठ के कहता है कि मैं भी इस शिप से निकलूंगा और लेडी एलविडा को सबक सिखाते हुए इस शिप से निकलने के बाद मरीन्स बनूंगा। और उसके बाद ही लेडी एलविडा वहां पर आ जाती है और वो कुबी से कहती है कि तुम क्या कह रहे थे कुबी, मैंने कुछ तो सुना, आखिर इस समुंदर के अंदर सबसे ज्यादा सुंदर कौन है कुबी, बताओ। जिसके बाद लेडी एलविडा के कुछ लोग लूफी के ऊपर पीछे से हमला करते हैं। लेडी एलविडा लूफी को देख के कहती है आखिर तुम कौन हो, तुम पायरेट हंटर जोरो तो नहीं लगते मुझे, तो आखिर तुम कौन हो। और वो कुबी से पूछती है कि बताओ आखिर इस समुंदर में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। जिसके बाद कुबी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डर के मारे कहने लग जाता है आप, और वो आप कहने ही वाला रहता है। उससे पहले लूफी कहता है आखिर ये मोटी औरत कौन है, जो सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और लेडी एलविडा के पायरेट कहते हैं अब तो ये गया,
लेडी एलविडा अपना वेपन लेकर लूफी के ऊपर हमला करने वाली रहती है, पर लूफी उसके हमले से बच जाता है और वो कुबी को पकड़ के कहता है कि हमें यहाँ से जाना है, और जंप लगाते हुए वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर लेडी एलविडा के सभी लोग लूफी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लूफी उनसे बचता है और उन्हें जोर से पंच मारता है, जो देख कर कुबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है वो तुमने तो इन लोगों को मार दिया। पर तभी अचानक से और बहुत सारे लोग लूफी के ऊपर हमला करने के लिए भाग रहे होते हैं और वो सभी लोग लूफी के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी लूफी एक पिलर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और आगे बहुत तेज भागता है। उसका हाथ एक रबर की तरह स्ट्रेच हो जाता है और उसके बाद वो अपने हाथ को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर उन सभी लोगों को टकरा जाता है और सभी लोग जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर कुबी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है आखिर तुमने ये क्या कर दिया और तुमने ये कैसे किया। लेडी एलविडा भी बहुत शॉक हो जाती है कि उसके सभी लोग डिफीट हो चुके हैं। तभी लूफी कहता है मैं एक रबर मैन हूँ, जिसके बाद वो अपना गाल को खींचने लग जाता है और ये सब देख कर कुबी बहुत शॉक हो जाता है। लेडी एलविडा कहती है तो तुमने डेविल फ्रूट खाया है। तभी यहाँ पर लूफी कहता है कि हाँ मैंने गम गम वाला खाया हूँ, जिसके बाद मैं एक रबर मैन बन गया हूँ। जिसके बाद लेडी एलविडा कहती है कि मैंने डेविल फ्रूट के बारे में सुना तो बहुत हूँ, पर मैंने कभी यकीन नहीं किया था कि वो सही में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब तुम एक बाउंटी हंटर नहीं हो, तो तुम भी एक पायरेट हुए तो क्या? और दो अलग पायरेट कभी एक शिप पे नहीं रह सकते, वो दुश्मन होते हैं। और यहाँ पर लेडी एलविडा लूफी को ऑफर कर रही होती है कि वो उसके शिप पे आ जाए, और कुबी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। तभी कुबी को वो बात याद आती है कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा अपना सपना पूरा करने के लिए, और कुबी कहता है कि तुम इस क्रू में सबसे ज़्यादा बदसूरत हो, तुम पूरे समुंदर में सबसे बदसूरत औरत हो। ये सुनकर लूफी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, जिसके बाद लेडी एलविडा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो कहती है कि तुमने ये क्या कहा, और ये कहकर वो अपना वेपन उठा के कुबी के ऊपर हमला करने वाली रहती है। और कुबी कहता है मैं मर जाऊँगा लगता मर जाऊँगा, जिसके बाद सामने लूफी आ जाता और वो वेपन लूफी को लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि लूफी को तो कुछ भी नहीं होता है और लूफी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, जिसके बाद लूफी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है और कहता है गम गम, और ये कहकर वो अपने हाथ को जितना हो सके उतना पीछे की तरफ स्ट्रेच करके लेडी एलविडा के ऊपर हमला कर देता है। इतना ज़ोर से हमला करता है कि लेडी एलविडा उस शिप से जाकर आसमान में उड़ने लग जाती है। तभी हम उस इंसान को देखते हैं जिसे लेडी एलविडा ने थोड़ी देर पहले शिप से मारकर उड़ा दिया होता है, वो पानी में पड़ा होता है कि तभी लेडी एलविडा उसके ऊपर जाकर गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लूफी लेडी एलविडा के लोग को कहता है कि हमें एक शिप चाहिए और मेरे दोस्त को यानी कुबी को मनी तक पहुँचाओगे ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके, और सभी लोग कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद वहाँ पर मरीन्स आ जाती है और मरीन्स एक पुलिस की तरह रहती है जो पायरेट्स को पकड़ती है। ये देख कर लूफी कहता है मुझे यहाँ से निकलना होगा। कुबी कहता है मैं भी यहाँ पर नहीं रह सकता, अगर उन लोगों ने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया तो वो लोग समझेंगे कि मैं भी एक पायरेट हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ आना होगा। जिसके बाद लूफी और कुबी एक शिप लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं और तभी वो उस लड़की को देखते हैं जो यहाँ पर लेडी एलविडा का सभी खजाना लूट कर जा रही होती है। यहाँ पर लूफी से कुबी पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास तो एक बड़ी शिप नहीं है, तो तुम सफ़र कैसे करोगे। लूफी कहता है मेरे पास पहले एक बड़ी शिप हुआ करती थी, पर कोई नहीं वो हमें जल्दी ही मिल जाएगी। जहाँ पर लूफी पूछता है आखिर वो मोटी औरत किस पायरेट के बारे में बात कर रही थी। जहाँ पर लूफी को कुबी कहता है कि वो जोरो है, रोरो नो जोरो, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्डमैन है, पर अभी उसे मोरिन्स ने पकड़ लिया है। जिसके लूफी कहता है जिसका मतलब वो बहुत कमज़ोर है इसलिए पकड़ लिया। जहाँ पर कुबी कहता है नहीं नहीं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम गलत सोच रहे हो। जिसके बाद लूफी कहता है तो चलो हम उसके पास जाएंगे और मैं उसे अपनी क्रू में लूँगा। जिसके बाद हम जोरो को एक आइलैंड पे देखते हैं जो आइलैंड पे जोरो को बांध के रखते हैं, और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वन पीस के और एपिसोड लाऊं अपने मेन चैनल पे यानी एनिमे एक्सप्लेनेशन पे, तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। अगर इस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उस चैनल पे डालूँगा।